सर मैंने मोबाइल वर्कफ्लो ऑटोमेशन से परचेज प्रोसेस बनाया है, जिसको मैंने आईएमएस शीट से लिंक करके मैसेज पे बेसिकली लास्ट परचेज प्राइस, लास्ट परचेज दे दो, करंट स्टॉक इन हैंड उस पे आ जाता है। वेरी नाइस तो नेगोशिएट करने में या फिर देखने में कि अभी क्यों रिक्वेस्ट डाला है या स्टॉक नीचे तो नहीं चला गया जब परचेज करने गया है, तो उस टाइप से मैंने बनाया है अभी, विच इज लाइक वो बहुत हेल्प हो रहा है हमें। क्योंकि पहले होता था कि बंदा मटेरियल लेके चला गया और हमें पता ही नहीं चलता था, एक हफ्ता 15 दिन 20 दिन बाद बिल आया तब पता चला कि अरे ये मटेरियल उसने खरीद लिया इस रेट पे। वो सब अच्छा, ट्रैकिंग हमें बहुत इश्यूज हो रहे थे। तो मोबाइल वर्कफ्लो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे औरों के बेनिफिट के लिए कि आपको क्या समझ में आया मोबाइल वर्कफ्लो से अनुज? मोबाइल वर्कफ्लो में सर बेसिकली ये होता है कि हम जैसे कि कुछ भी प्रोसेस को छोट ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो उसमें मैंने क्या किया सर, मेरा बंदा जब फॉर्म भरता है तो एक कंफर्मेशन जाता है, मेरे पास एक मैसेज आ जाता है, राइट, और जब वेंडर को जब अप्रूव हम यहाँ से अप्रूव करते हैं तो वेंडर का भी डिटेल उसमें डाल दिया है, तो वेंडर को भी कंफर्मेशन चला जाता है वेरी नाइस वेरी कि ये नाइस। मटेरियल अप्रूव हो गया है, तो आप इस रेट पे इतना क्वांटिटी मटेरियल इसको हैंडओवर कर दीजिए। मेरे बंदे का नाम और नंबर के साथ चला जाता है, तो वो रियल टाइम में डेटा आने लग गया है सर।